इंदौर शहर को स्मार्ट बनाने के लिए इंदौर निगम प्रशासन द्वारा सड़क चौड़ीकरण का काम जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को BRTS कॉरिडोर के व्हाइट चर्च चौराहे पर नगर निगम ने सड़क चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को हटाया। निगम अधिकारियों के अनुसार इसी के चलते व्हाइट चर्च चौराहे पर बने एक मंदिर को भी अन्य जगह शिफ्ट किया गया। यहाँ मौजूद साईं मंदिर को नगर निगम द्वारा MR10 रोड पर शिफ्ट किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान निगम द्वारा चर्च की बाउंड्री वॉल सहित फुटपाथ को भी हटाया। इस दौरान करीब 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इस समय निगम की टीम द्वारा जब मंदिर को हटाने की कार्रवाई की गई तो हिंदू संगठन द्वारा विरोध भी किया गया। ये यहाँ पे व्हाइट चर्च चौराहे के ऊपर एक साईं बाबा का मंदिर था और उस संबंध में फुटपाथ पे था और उसके संबंध में एक वाद माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहले से पेंडिंग था, जिसमें कि निर्णय हुआ और निर्णय के परिपालन में उसको आज हटाया गया। साथ में फुटपाथ पे था और एक ये बात भी है कि वो लेफ्ट टर्न पे भी था। जैसे ही मंदिर यहाँ से दूसरी जगह पे स्थापित किया है, उस जगह का जो लेफ्ट टर्न था उसमें दो एक और इंक्लोशमेंट थे, उसको हम लोगों ने हटाया है। हटाने के बाद एक पुल को शिफ्ट किया है और लेफ्ट टर्न चालू हो गया है। साथ में जो चर्च है व्हाइट चर्च, इन्होंने भी लेफ्ट टर्न को क्लियर करने के लिए अपना यातायात की सुगमता के लिए कोने की कुछ ज़मीन दी है, अंदर से दीवार बना ली। बाहर की दीवार जो थी वो वैसी की वैसी थी, आज हमने उसको हटा दिया गया है। शाम तक लेफ्ट टर्न पे अपना यातायात चालू हो जाएगा।